लखनऊ जिला सत्र न्यायालय में बम से हुआ अधिवक्ता पर हमला। पीड़ित अधिवक्ता का नाम संजीव लोधी बताया जा रहा है। हमले में अधिवक्ता हुआ घायल। सीजेएम कोर्ट में चला बम, एक बम फटा और 3 जिंदा बम मिला। कई वकीलों के आई मामूली चोटें। बमबाजी से इलाके में हड़कंप। वजीरगंज पुलिस मौके पर। भैया क्या हुआ था? करीब हम लोग 11 बजे कोर्ट आए हैं और मैं मौके पे मौजूद था। यहाँ एक संजू लोधी के दरवाजे पे खड़ा था, चैम्बर पे, चैम्बर के सामने जूनियर, और मैं उनका जूनियर हूँ। उतने में एजाज अहमद, आजम खान और 3-4 अज्ञात लोग इधर से आए गेट नंबर 3 की तरफ से, और करीब 5-6 लोग इधर से आते हैं 4 नंबर गेट से। इधर से अचानक बम फेंकना शुरू कर देते हैं, सुतली बम था क्या था, और इधर से 4 नंबर गेट की तरफ से भी आते हैं कुछ लोग, जिसमें से 3 बम फटे हैं यहाँ पे, 3 फटे हैं और करीब 8 से 10 बम यहाँ पे फेंके गए, और जिससे जो है हमारे संजीव लोधी जी के सर पे चोट आई जिससे फेंका गया बम, और प्रमोद लोधी जिनके पैर के पास बम दगा, और 4-5 लोग मुझे पकड़ा जो कि पिस्टल लिए हुए थे, और करीब 3 से 4 लोग भागे। करीब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 8 से 10 लोग थे। 2 लोग वकील हैं और सब विवाद कल किसी बात को लेकर के हुआ था, लेकिन अब ये शिकायत की गई, लेकिन महामंत्री दबाव बना रहे थे वहाँ से, किसी जो है कार्यकारिणी यहाँ के जो है जो अधिकारी हैं उन पे जो है किसी प्रकार का लेकर के डीजे के बम लेके आया है, सर पे बम मारा है, उसको लेकर के बात हो रही बच गया बम पे हमले में। अभी हालत कैसी है उनकी, उनको बम लगाया जिनको? अभी तो हालत ठीक है, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो शायद जान जा सकते। सर के ऊपर आकर के सीधे बम पड़ा। मेरा श्याम सुंदर लोधी एडवोकेट, मैं जूनियर हूँ संजू लोधी का। 3 लोग मुझे पकड़े हुए थे और पिस्टल लेके आए हुए थे इधर।